नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के कालीबावड़ी में ईट भट्टे पर साकलदा तालाब से मिट्टी लाकर हाइड्रोलिक से ट्रॉली खाली करते समय हाइड्रोलिक के फंसने से उसे सुधार रहे ईट भट्टा मालिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 16 वर्षीय मजदूर की उसमें दबने से मौत हो गई। मालिक और मजदूर दोनों ट्राली के नीचे जाकर उसे ठीक कर रहे थे, तभी ट्राली उनके ऊपर आ गई, जिससे दोनों के सिर पर ट्राली लगी और दोनों के सिर ट्राली में फंस गए। ट्राली में सिर दबने से आसपास काम कर रहे मजदूर दौड़े और दोनों को निकालने का प्रयास किया। तत्काल जेसीबी मशीन को बुलाकर मशीन से ट्राली को उठाया गया, दोनों घायलों को निकाला गया। घायल गोलू के सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वही भट्टा मालिक गणेश को फौरन इलाज के लिए धामनोद और उसके बाद इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां वह जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में मातम पसर गया। वहीं मृतक गोलू के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर।